हाय गाइस, मैं हूं शशांक तनवर और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा एक परफेक्ट फॉर्म जो वेब पेज पे बनता है। तो ये मैंने आपके लिए एक फाइल तैयार कर रखी है जिसमें ये नेम मांग रहा है और इस ब्लॉग में अगर हम अपना नेम एंटर करेंगे तो ये यूआरएल पे दिखाएगा। तो इसे कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले अपना नोटपैड खोल लीजिए। अब इसमें मैं आपको ब्लॉग बनाना सिखाऊंगा, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे HTML जो हर वेब पेज के लिए रिक्वायर्ड होता है, एंटर। फिर बाकी की चीज़ें जो HTML में होती हैं, ये हेड। और अब हम अपनी फाइल को एक अच्छा सा टाइटल देंगे, फर्स्ट फॉर्म। बहुत खूबसूरत टाइटल है, कोई बात नहीं। तो अब जहाँ पर हम यहाँ पर बॉडी लिखते हैं, हम वहाँ पे लिखेंगे फॉर्म और इसके अंदर हम अपना काम शुरू करेंगे। तो एंटर दबा के हम लिखेंगे नेम जो इधर डिस्प्ले होगा, और हम नेम टैब में लिखेंगे इनपुट टाइप। और इनपुट टाइप में हम इसकी वैल्यू डालेंगे। तो दोस्तों ये इनपुट टाइप हमें ये बताने को अलाउ करता है कि हम डेटा किस टाइप में डालें, टेक्स्ट में डालें, नंबर में डालें और बहुत सारे में। तो अभी हम टेक्स्ट में अपना डेटा डालेंगे, तो टेक्स्ट। और इससे हमारी फाइल कुछ इस तरीके से होगी। ये सारे टेक्स्ट्स ही आएंगे। और हम एक और नेम डालेंगे, ये कंपलसरी है, जो डिस्प्ले होगा इधर। तो ये हम नेम में इसकी वैल्यू डालेंगे। हम इसकी वैल्यू चलो रख देते हैं यो, एंड हम सिंपल इसको क्लोज कर देंगे। तो अब हम डालेंगे ये टैग, जिससे कि हमारे सारे ब्लॉक्स हैं वो लाइन वाइज आ जाएंगे। और अगर आप दो बार भी अटैक डालते हैं तो ये इनकी स्पेसिंग बढ़ जाएगी। तो अब हमें सिंपल सा इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है एंड कंट्रोल वी वी। तो अभी हम तीन ब्लॉक्स बनाएंगे, जिसमें होगा एक नेम और होगा ईमेल। ईमेल में टेक्स्ट ही रहेगा, नेम इसका चेंज कर देते हैं। नेम चलो एक लेटर ई रख देते हैं। तो दोस्तों ईमेल हर बार पासवर्ड के साथ आता है, तो हम इधर पासवर्ड लिख देंगे। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे अगर हम पासवर्ड टेक्स्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो शो हो जाएगा। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर ने हमें प्रोवाइड कर रखी है पासवर्ड फॉर्म,
जिससे हमारा पासवर्ड है वो डॉट्स की फॉर्म में आएगा। तो हम इधर इसका नेम लिख देते हैं PWD और फिर हम सिंपल सा इस फॉर्म को क्लोज कर देंगे। ये हो गया है फॉर्म क्लोज, एंटर दबा के HTML भी क्लोज। और दोस्तों ये लीजिए हमारा ये हो गया है कंप्लीट। तो हम इसको कंट्रोल एस करेंगे, फॉर्म डॉट HTML के नाम से सेव करेंगे और ये सेव हो गई है। और दोस्तों ये देखिए हमारी फाइल बन चुकी है, ये पहले ब्लैंक थी अब इसमें ये सब चीजें आ गई हैं। तो हम इधर नेम डालेंगे, डाल दिया, ईमेल कुछ भी डाल सकते हो जो कि टेक्स्ट है, और पासवर्ड जो है जो डॉट्स के फॉर्म में आएगा, और मैं इसमें अपना असली पासवर्ड डाल रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा, और जो अगली वीडियो होगी वो होगी चेक्स के बारे में कि ये जो फाइल्स होती है उसमें ऑप्शंस देते हैं कि आप मेल हो फीमेल हो, हम तुम्हें करना है कि नहीं, तो वो चेक्स होते हैं ना, मैं अब बोलाऊंगा। तो तब तक के लिए हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए क्लैशिंग विद शशांक। धन्यवाद।